बच्चों कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। कहाँ कहाँ घूम चुके हैं अभी? जन्मभूमि, जन्मभूमि मथुरा वृंदावन। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की। ये होता हुआ मंदिर का, ये देखिए। हाथी घोड़ा पाल के, हाथी घोड़ा पाल के। कैसा फील हो रहा है? कैसा फील हो रहा है? अच्छा, अच्छा लग रहा है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग बहुत ही शानदार है क्योंकि हम आ चुके हैं प्रेम मंदिर, और प्रेम मंदिर का आज का पूरा ब्लॉग रहेगा। बहुत ही खूबसूरत प्रेम मंदिर लग रहा है, अंदर का पूरा व्यू दिखाने वाला हूँ, तो आप बने रहिए इन तक हमारे साथ। ये देखिए गाइस, शाम हो चुकी है, हल्की हल्की से लाइटें जल रही हैं और हम बिल्कुल प्रेम मंदिर के बाहर हैं और प्रेम मंदिर का नज़ारा दिखा रहे हैं। ये देखिए हल्की हल्की सी लाइटें जलती हुई प्रेम मंदिर में, और आप देख भी रहे होंगे प्रेम मंदिर का नज़ारा कितना शानदार, कितना खूबसूरत। देखिए गाइस, प्रेम मंदिर का आपको पूरा दिखाने, कितना खूबसूरत है, बिल्कुल मन को मोह लेता है ये। गाइस, हम आ चुके हैं प्रेम मंदिर, और कितनी जबरदस्त भीड़ है प्रेम मंदिर के बाहर, और बहुत ही शानदार नज़ारा है यहाँ का। मैं आपको दिखा रहा हूँ प्रेम मंदिर के बाहर का सीन नाइट का, और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है प्रेम मंदिर। और ये देखिए गाइस, प्रेम मंदिर का मनमोहक सीन, ये देखिए। हम चल रहे हैं एंट्री द्वार की तरफ, और एंट्री द्वार से प्रेम मंदिर के अंदर एंटर करेंगे। ये देखिए गाइस, ये एंट्री द्वार है प्रेम मंदिर का। देखिए बच्चों का स्कूल का टूर आया हुआ है, कहाँ से यहाँ पर? आगरा से सर। आगरा से तो स्कूल टूर है बच्चों का। बच्चों कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। कहाँ कहाँ घूम चुके हैं अभी? जन्मभूमि, जन्मभूमि मथुरा वृंदावन। क्या बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। राधे राधे। देखिए कितना खुश हैं बच्चे, और अभी प्रेम मंदिर देखने जा रहे हैं। जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की राधे राधे। ये देखिए आगरा से खूबसूरत टूर आया हुआ है बच्चों का यहाँ पर प्रेम मंदिर में, और बहुत खुश है, सभी के चेहरे खिले हुए हैं, क्यों ना हो, क्योंकि भगवान की नगरी में आए हुए हैं। ये देखिए गाइस, नाइट का मैं सीन दिखा रहा हूँ आपको, और ये पूरा खूबसूरत सीन, और पूरा मंदिर खचाखच लोगों से भरा हुआ, लोग चारों तरफ लोग ही लोग हैं, और इतना खूबसूरत नज़ारा, इतना खूबसूरत दृश्य, ये देखिए बस देखते ही रह जाओ, चारों तरफ लोग ही लोग। इस मंदिर का निर्माण आध्यात्मिक गुरु कृपालु जी महाराज द्वारा कराया गया था। इस मंदिर का शिलान्यास 14 जनवरी 2001 को किया था, और ये मंदिर 17 फरवरी 2012 को बन गया था। कहा जाता है ये जगत गुरु ने प्रेम मंदिर जब बनवाया था, तो प्रेम मंदिर इसलिए बना था कि एक प्रेम का संदेश दिया जाए पूरे विश्व को, और पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा फेमस और भारत का सबसे खूबसूरत मंदिर। इस बच्चों का टूर, राधे 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 राधे, और ये प्रेम मंदिर दर्शन के लिए आए हैं बच्चे। राधे राधे बोलो बच्चों, कैसा लग रहा है यहाँ आके? बहुत अच्छा फील हो रहा है। प्रेम मंदिर आके कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा फील हो रहा है, वेरी गुड। देखिए कितना खुश है बच्चे, और चेहरे बता रहे हैं कि बहुत खुश है। आगरा से आए आप लोग? क्योंकि वृंदावन में है, प्रभु की नगरी में है, तो यहाँ आके हर इंसान मग्न हो जाता है। और गाइस, प्रेम मंदिर में इस समय हम हैं, और बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। विश्व की एक धरोहर के रूप में देखा जाता है प्रेम मंदिर, और भारत का सबसे खूबसूरत मंदिर। ये देखिए इस प्रेम मंदिर की खूबसूरती, और अभी कलर चेंज हुआ है, और फिर कलर चेंज होगा। इतना खूबसूरत, इतना शानदार मंदिर।
और इस मंदिर का जो मेन मकसद था वो था पूरे विश्व को शांति का पाठ पढ़ाना, को प्रेम का संदेश देना। तो आज वही संदेश देता हुआ ये प्रेम मंदिर, और ये देखिए लगातार कलर चेंज हो रहे हैं। ये देखिए गाइस, देखिए गाइस बहुत ही खूबसूरत मंदिर लग रहा है, बहुत ही अपनी खूबसूरती बिखेरता हुआ। ये देखिए गाइस मजेदार सीन है। ये देखिए गाइस लगातार कलर चेंज होता हुआ मंदिर का। बहुत ही खूबसूरत ऐसा लगता है, सच की गाय खड़ी हुई है, लेकिन ये सब प्रतिमाएं हैं और बहुत ही सुंदर कारीगरी है। और जैसे प्रेम मंदिर सुंदर है, वैसे यहाँ की हर चीज सुंदर है। प्रेम मंदिर 54 एकड़ में बना हुआ है और इसकी ऊंचाई 125 फीट है, लंबाई 122 फीट है और दोस्तों चौड़ाई 115 फीट है। इस मंदिर को बनाने में इटालियन करारा संगमरमर यूज हुआ है और इसको बनने में 11 वर्ष लगे हैं। 11 वर्ष में ये मंदिर कंप्लीट हो गया बनके और 100 करोड़ की लागत से ये मंदिर बना है। हम चल रहे हैं प्रेम मंदिर के अंदर और आपको अंदर का भी सीन दिखाएंगे। बहुत ही खूबसूरत और रात का ये सीन है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ आके आप देख रहे होंगे कि हर आदमी बस प्रभु के गुणगान में ही रमा हुआ है। और ये देखिए मैं आपको दिखला रहा हूँ, अंदर चल रहा हूँ प्रेम मंदिर के अंदर और आप प्रेम मंदिर के अंदर का सीन आपको दिखाने वाला हूँ। राधे 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 जपो। कारीगरी देखिए कितनी खूबसूरत पत्थर की नक्काशी है। ये देखिए पत्थर की नक्काशी, बहुत खूबसूरत मंदिर बना हुआ है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत और जितना भी कहा जाए कम है। मैं आपको अपने मंदिर के अंदर का सीन दिखा रहा हूँ। देखिए गाइस राधे राधे कृष्णा कृष्णा। देखिए कितनी दूर से दर्शन करने के लिए आए और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। हर इंसान भगवान के रंग में रंगा हुआ है। ये देखिए ये पूरी फैमिली के साथ आए हुए हैं, ये बनारस से पूरी फैमिली आई हुई है, एक खूबसूरत फैमिली खूबसूरत प्रेम मंदिर में। कन्हैया लाल के।
खूबसूरत दृश्य प्रेम मंदिर का। राधे राधे। चारों तरफ एक गूंज है, भगवान कृष्ण की गूंज है चारों तरफ। ये देखिए छोटे बच्चों का टूर, जय कन्हैया लाल के। फाइनली अब हम प्रेम मंदिर के बाहर आ चुके हैं और अब चलेंगे गार्डन और पूरा गार्डन घुमाएंगे आपको, और पूरा गार्डन घूमेंगे और देखेंगे वहाँ का खूबसूरत नज़ारा। बहुत ही खूबसूरत दृश्य यहाँ का प्रेम मंदिर का। ये प्रेम मंदिर के अंदर ये देखिए पहाड़ के नीचे गोवर्धन पहाड़ बना हुआ है, और उसके नीचे भगवान कृष्ण क्योंकि अपनी उंगली पर पहाड़ रोके हुए, और साथ में और बहुत सारे ग्वाले। ये देखिए गाइस पानी गिर रहा है ऊपर से पहाड़ से गोवर्धन पर्वत से, और नीचे ग्वाले अपनी लाठियों से पर्वत को रोके हुए हैं, लेकिन सच तो ये है भगवान कृष्ण अपनी उंगली पर ये पर्वत रोके हुए हैं। लगता है पूरी दुनिया की खूबसूरती प्रेम मंदिर में जैसे आके समा गई हो। प्रेम मंदिर का मैं एक और झलक आपको दिखाता हूँ इस एंगल से, कितना शानदार कितना खूबसूरत। और इस रात का सीन है और लोगों से भरा हुआ। ये देखिए गाइस कितना खूबसूरत नज़ारा है, और ये देखिए बस देखते ही बनता है। देखिए गाइस प्रेम साधन सामग्री, ये देखिए गाइस प्रेम साधन सामग्री यहाँ पर आपको हर तरह की यहाँ पर बुक मिल जाएगी, गीता की बुक और बहुत सारी जो भगवान कृष्ण से संबंधित है वो यहाँ पे मिल जाएंगी, या भक्ति से संबंधित है वो यहाँ पे आपको बुकें मिल जाएंगी। देखिए भगवान कृष्ण और राधा रानी बैठी हुई हैं, और साथ में और भी मीराबाई और बहुत सारी और गोपिकाएं। लाल की जय, कन्हैया लाल की। और ये देखिए गाइस बहुत ही खूबसूरत दृश्य। गाइस ये मंदिर वृंदावन में है और भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है, तो हम ये कह सकते हैं ये मंदिर दुनिया के लिए एक धरोहर है और भारत के सबसे खूबसूरत मंदिरों में से एक है। ये माता और ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवता, ये प्रमुख देवता है नारद जी, सभी लोग स्तुति करते हुए माता की। तो ये बहुत ही खूबसूरत सीन है यहाँ का। ये देखिए गाइस बहुत ही खूबसूरत दृश्य है, और ये देखिए ये भगवान श्री कृष्ण सारथी के रूप में, और पीछे अर्जुन, और ऊपर रथ पर जो झंडी लगी हुई है वहाँ पर वीर बजरंगी विराजमान है। तो बहुत ही शानदार बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। ये तब का सीन है जब महाभारत हुआ था। ये देखिए सुबह सुबह का नज़ारा प्रेम मंदिर का, और अभी ये बच्चों का टूर आया है। कहाँ से है बेटा? शादाबाद। स्कूल टूर है तो अभी प्रेम मंदिर जा रहे हैं अंदर दर्शन के लिए। कैसा फील हो रहा है? फील हो रहा है अच्छा लग रहा है। प्रेम मंदिर के सामने आ चुके हैं ये लोग और बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं, ये टूर आया हुआ है। मैम शादाबाद से कौन सा कॉलेज है? यस 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 स्कूल। तो गाइस ये ब्लॉग यहीं तक था, लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये ब्लॉग कैसा था, और नए नए ब्लॉग देखने के लिए इस ब्लॉग को शेयर भी कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।